हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आपको जो ये प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि एक्टिवा का क्लीन तो हो जाती है पूरी, लेकिन डैशबोर्ड बाकी रह जाता है। डैशबोर्ड कैसे साफ होता है? बहुत थोड़े टाइम बाद ये डल पड़ जाता है, ऐसा देखो पूरा फेडेड हो गया है। तो ये क्लीन करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे मेरे लोकल शॉप से लिया है, जहाँ पे मैं नॉर्मली स्कूटी ठीक कराता हूँ। मैं वहाँ से आप कहाँ से ले सकते हो, आपके वहाँ पे मिल सकता है ये। बस शॉपकीपर को जाकर आपको ये बोलना है कि स्कूटी का डैशबोर्ड साफ करने के लिए मुझे एक्सपेंस दे दो। पहले स्कूटी कुछ ऐसी है, पूरी खराब हुई पड़ी है, ये देख लो, पूरा डैशबोर्ड खराब हो गया रखा है, पूरा फेडेड हो गया। अभी लगाने के बाद आपको बताता हूँ आफ्टर रिजल्ट। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हो आफ्टर रिजल्ट को अप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ हो गया डैशबोर्ड पूरा मेरा स्कूटी का। और ये देख लो, पूरी स्कूटी एकदम क्लीन हो गई है, उससे ही मैंने पूरा क्लीन किया। पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस आपको पानी से क्लीन अप करना पड़ेगा, नहीं तो इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं स्पॉट्स रह जाएंगे या अच्छे से क्लीन नहीं होगा। आपको कुछ और डाउट रहा एक्टिवा या कोई स्कूटी से रिलेटेड या कुछ भी पार्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको शॉर्ट सिंपल वीडियो अच्छा लगा तो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।